हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी करवा चौथ आप सबको। और मेरी सुबह हुई है 9:30 बजे, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी तो मैं उठी नहीं थी और बच्चे अभी भी सो रहे हैं। क्योंकि जल्दी उठ जाती हूँ तो फिर कानू मेरे साथ उठ जाता है और आज फास्ट भी था तो मेरे को लगा कि मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ, क्योंकि मैं लेट सोई थी मेहंदी लगवा के। जब कानू सो गया था तब मैंने मेहंदी लगवाई थी और मैं आपको मेहंदी दिखाऊँ, ये देखिए। दूसरे हैंड की दिखाती हूँ, और गाइज थैंक यू सो मच। हमारी मन लैब की फैमिली है जो कंप्लीट हो गई है यूट्यूब पे। और मैं, थोड़ा फेस्टिवल सीजन है, इसके बाद मैं रेगुलर व्लॉग्स डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ना मेरे फ़ोन का स्पेस फुल हो रखा है और इसमें मैं या तो जिप डलवाऊँगी, देखती हूँ क्या करवाते हैं, उसके बाद मैं आपको रेगुलर व्लॉग मिलेंगे। तो अभी आप बने रहिए, मैं अभी थोड़ा सा काम करूँगी। और एक बात तो मेरे हस्बैंड भी फास्ट रखते हैं तो खाना इतना कुछ बनाना नहीं है, बच्चों के लिए बनाऊंगी और काम करके, और फिर मैं नहाऊंगी और जो भी ड्रेस पहनती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं। हे गाइस, तो मैं नहाने के सारा काम करने के बाद मैं नहा के आ गई हूँ और अभी मैं पहनती हूँ साड़ी जो मेरे को पहननी है और फिर आपको दिखाती हूँ जब हम पूजा के लिए जाएंगे रेडी होके। तो हे गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और ये है मेरा फुल लुक, अभी मैं व्लॉग में दिखा दूंगी। और मैंने कर ली है पूजा, जय चौथ माता। और अब हम चलते हैं नीचे और नीचे चल के मैं आपको दिखाऊंगी जब हम गाने सुनेंगे। तो चलिए आप भी। सारे रास्ते में कांटे बिछाकर रख देना, पे जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़ कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साई जियो, जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी, फिर तू उद्यमन करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खून चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा टूट गया, उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसको उसका कांटा निकाल दिया, तो उसने आशीर्वाद दिया, तब उसने उसके पैर पकड़ लिए और बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी, तो उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उज्जवल की तैयारी की, व्रत रखा, राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं थे, 12 महीने हो गए हैं तेरी सेवा करते करते, चोट माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चोट माता का उज्जवल अच्छी तरह से करो, अब कि अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये लड़की घर नहीं जाएगी। वह छोटा सा रूप बनाकर आ गए और लड़की से एक लड्डू लेकर खाया और पानी पी लिया, कुछ मांग ले। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले, छोटी सी दिखती है पर सब कुछ मांग लिया, अब अपने घर जा, तुझे सब कुछ मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली, इतनी देर कहाँ लगाई। लड़की बोली, मैं गणेश जी रोज नहीं दिख रही, रोज नहीं दिखाई।
तो गाइज अभी हो गया है शाम का टाइम और हम कहानी सुन के आ गए थे और कहानी सुनने में ना बहुत लेट हो गया था, तो अभी हम करते हैं सब्जी बनाने की तैयारी। और देखिए मैं बनाऊंगी पनीर रोटी बस, इसके अलावा पूड़ी उड़ी कुछ नहीं। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको मैंने तैयारी जो की है। चलिए मैंने कट करी है प्याज, हरी मिर्च, ये मटर भिगो दिए हैं, ये मैंने हरा धनिया और ये पनीर, और इसमें पीसा है मैंने टमाटर। तो चलिए, और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे तेल रख दिया है गरम, गैस कर देते हैं ऑन। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डाल लेंगे जीरा। जीरा चटकने के बाद मैं डालूंगी इसमें प्याज, और कई लोग इसको प्याज और टमाटर को भून के भी बनाते हैं, लेकिन मैं सिंपल बनाती हूँ। हाँ, कभी फ्री होती हूँ ना तो बना लेती हूँ, आज वैसे भी फास्ट कर रखा है और टाइम भी थोड़ा कम है, तो इसलिए अब हल्की ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये हो गया हमारा हल्का ब्राउन, इसके बाद जो हमने टमाटर की प्योरी बनाई थी वो मैं इसमें डाल दूंगी। ये मैंने डाल दी है और ये तब तक पकाऊंगी जब तक मसाले भी इसमें सूखे ऐड करके, हल्दी वगैरह। और मैं ज़्यादा कुछ, मैं आप देखोगे तो मैं गरम मसाला भी बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने डाल दी है हल्दी, इसके बाद मैं डालूंगी हल्की सी लाल मिर्च, क्योंकि मैंने हरी और हम हरी ही यूज़ करते हैं, सिर्फ ये कलर अच्छा आ जाए इसके लिए, ठीक है। और इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी इसमें नमक लास्ट में, जब पनीर वनीर डाल दूंगी तब। और कहीं कि यहाँ ये होता है कि खाना पूजता है, हमारे यहाँ खाना नहीं पूजता, हमारे यहाँ ये वाला करवा पूजता है, ये वाला जो खांड वाला होता है, और ये पूज के साथ सबको देते हैं, बाकी खाना वाना नहीं पूछता। कई हो गए हमारी आंटी है, उनके यहाँ तो खाना पूछता है और वो अपनी जेठानी को पूछाते हैं, तो उनको खाना भी बनाना पड़ता है जल्दी, क्योंकि वो पूछाना भी पड़ता है फिर थाली निकाल के। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, तो देखिए मैं सिर्फ अपने खाने के लिए बनाऊँगी। यहाँ पे हमारे मसाले भुन गए हैं और ये देखिए ऑयल छोड़ने लग गया साइड में, तो मैं इसमें मटर ऐड करके थोड़ा पानी, क्योंकि मैं तरी वाली बनाऊंगी, पनीर की भुर्जी नहीं बनानी, मटर पनीर बनाना है, तो मटर ऐड करके मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूंगी। अब ये पानी है ये अच्छे से खदक गया है, अब इसके बाद मैं डाल लूंगी पनीर। ये हमारी सब्जी हो गई है रेडी। इधर मैंने बनाया था हलवा और रोटी मैंने बना ली है और रख दी है उठ के इसमें, क्योंकि बाद में मेरे से नहीं बनेंगी। तो अभी हम करने जाएंगे पूजा, और इस बीच में हो गई थी रेडी, तो मैं अपना लुक दिखाती हूँ आपको। हेलो, पूरी साड़ी की नहीं बनवाई और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, और पूजा की तैयारी करके और तब मैंने पूजा की थी, वो मैंने क्लिप्स निकाली थी शॉर्ट वीडियो के लिए, तो वो व्लॉग में नहीं डालूँगी क्योंकि वो खड़े फ़ोन से बनाई गई थी,
और यहाँ पे मैं थाली तैयार करके दिखा रही हूँ कि देखिए कैसे कैसे, और जो भी मैंने पूजा की क्लिप्स निकाली है ना वो मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, तो उसमें आप देख लेना। तो हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम।